हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीए द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकीय अवनयन के बारे में, या जिसे हम पारिस्थितिकीय पतन भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पारिस्थितिकीय पतन या अवनयन से तात्पर्य है कि पर्यावरण के भौतिक संघटकों, जैविक उपक्रमों, विशेषकर मनुष्य की क्रियाओं द्वारा इस सीमा तक ह्रास और अवक्रमण हो जाना, जिससे कि पर्यावरण की स्वतः नियामक क्रियाविधि द्वारा भी सही नहीं किया जा सके। पर्यावरण तंत्र की संरचना भौतिक और जैविक संघटकों द्वारा होती है। इस तंत्र में भौतिक और जैविक प्रक्रम नियामक और संचालक होते हैं या संतुलित अवस्था में रहते हैं। यदि इस तंत्र में किसी संघटक में कोई परिवर्तन होता है तो अंतःनिर्मित स्वनियामक क्रियाविधि द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है तथा तंत्र में संतुलन बना रहता है। किंतु इस तंत्र में मनुष्य ही सर्वाधिक शक्ति संपन्न परिवर्तनकर्ता होता है। वह अपनी आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्रियाओं द्वारा अपनी विविध आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु पर्यावरण तंत्र के संघटकों में इस सीमा तक परिवर्तन कर देता है कि एक नियामक क्रियाविधि द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती, और दूसरी ओर वह परिवर्तन जैव समुदाय विशेषकर मानव के लिए प्राणघातक होने लगता है। इससे स्पष्ट है कि पर्यावरण में मानव जन असीम परिवर्तनों को पर्यावरण पारिस्थितिकीय अवनयन या पतन कहते हैं। पर्यावरण पतन से पारिस्थितिकीय तंत्र की गुणवत्ता में कमी आती है तथा तंत्र असंतुलित हो जाता है, जिससे जीव समुदाय एवं मानव जीवन खतरे में पड़ जाता है। जैसे यदि किसी वन की तेजी से कटाई कर दी जाए तो वनों का पुनर्जनन तत्काल नहीं हो पाएगा, जिसके फलस्वरूप निर्वनीकरण के कारण धरातल का अपक्षय एवं अपरदन होने लगेगा। उर्वरा शक्ति बाही जल द्वारा बह जाएगी। अवसादों के निक्षेपण से नदी की तली उथली होने लगेगी और बाढ़ का आवागमन होने लगेगा। वर्षा की कमी होने से सूखे का प्रकोप बढ़ने लगेगा। इस सब का परिणाम यह होगा कि पर्यावरण असंतुलित, पर्यावरण अस्थिर, पर्यावरण पतन आदि, और जैव समुदाय का खतरे में हो जाना स्पष्ट है। कि जब प्राकृतिक पर्यावरण के मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा इतना अधिक परिवर्तन कर दिया जाता है कि परिवर्तन पर्यावरण की लोचकता और सहन क्षमता से अधिक हो जाता है, तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, जिसे हम पर्यावरण अवनयन या पर्यावरण पतन कहते हैं। पर्यावरण पतन के प्रमुख रूप से दो कारक होते हैं, पहला प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवकृत कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत इसमें प्राकृतिक कारक चरम घटनाओं और प्रकोपों द्वारा पर्यावरण में अवनयन करते हैं, लेकिन ये कारक स्थानीय होते हैं और उनके द्वारा परिवर्तन होते हैं, उनमें यथाशीघ्र प्रति संतुलन स्थापित हो जाता है। लेकिन नव कारक प्राकृतिक प्रकोपों की गति को तेज करने के साथ साथ प्राकृतिक साधनों में विदोहन द्वारा पर्यावरण अवनयन उत्पन्न करता है। दूसरा है मानव कारक। इसके अंतर्गत निर्वनीकरण करके मौलिक जीव जंतुओं को नष्ट करके पर्यावरण के घटकों में परिवर्तित करके स्थल, जल और वायुमंडल में जहरीली रासायनिक तत्वों का विमोचन करके वायुमंडलीय गैसों के संतुलन को बिगाड़ के पर्यावरणीय कारकों में परिवर्तन करके, जैसे कृत्रिम बादल बनाकर उनको दशा परिवर्तन करना आदि, पर्यावरण को अवक्रमित किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण पतन के प्रमुख कारणों के बारे में। तो इसके अंतर्गत पहला कारण है धार्मिक कारण। इसके अंतर्गत धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत यह माना जाता है कि
मानव प्रकृति अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है तथा प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को मानव के प्रयोग के लिए बनाया गया है। इसका प्रभाव यह हुआ कि मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन करना शुरू कर दिया और पर्यावरण अवनयन होने लगा। दूसरा प्रमुख कारण है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। विश्व की जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण अवनयन का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या का 7 अरब के पार हो चुकी है। विभिन्न महामारियों पर नियंत्रण से मृत्यु दर गिरी है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि भूमि का अधिकाधिक विस्तार किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से दोहन हो रहा है। नगरीकरण औद्योगिकरण में अत्यंत उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। इससे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई और पर्यावरण अवनयन या पतन होने लगा। तीसरा प्रमुख कारण है कृषि विकास व अति विकसित कृषि पद्धतियां। विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए अधिकाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन किया जा रहा है। खाद्यान्नों को उत्पादन बढ़ाने तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के लिए अत्यंत विकसित कृषि तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि विकास द्वारा उदर पूर्ति की समस्या हल कर ली गई है, लेकिन उसमें हो रही पर्यावरण की क्षति को पूरा नहीं किया जा रहा है। भारत में अधिक कृषि उत्पादन पाने के लिए कृषि क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए वनों को साफ और काटा जा रहा है। चौथा प्रमुख कारण है निर्धनता। निर्धनता पारिस्थितिकीय पतन का प्रमुख कारण और परिणाम माना गया है। अल्प विकसित और विकासशील देशों में जहां निर्धनता अधिक है, वहां के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण संतुलन को बिना ध्यान में रखे संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी शास्त्रीय पतन हो रहा है। पांचवा प्रमुख कारण है अशिक्षा, अज्ञानता एवं पर्यावरण अबोधता। इसके अंतर्गत जिस देश में शिक्षित लोग रहते हैं, वे ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे पर्यावरण संकट बढ़े। यदि ऐसे लोगों में से कोई गलती हो जाती है, तो भूल का ज्ञान हो जाने पर उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। जिन देशों में शिक्षा का प्रसार है, वहाँ के लोग समाचार माध्यमों से पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों से अवगत होते रहते हैं। यदि उन परिवर्तनों में दुष्परिणाम होने की संभावना रहती है, तो वे जनमानस तैयार कर उनका विरोध करने लगते हैं। अगला प्रमुख कारण है उच्च भौतिक स्तर। आदिकाल से मानव की भौतिक आवश्यकताएं न्यून थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ ही साथ उच्च भौतिक आवश्यकताएं बढ़ना शुरू हो गई। 20वीं शताब्दी में मानव की भौतिक आवश्यकता इतनी बढ़ गई कि उनकी पूर्ति के लिए संसाधनों का शोषण अधिकाधिक होने लगा, जिससे पर्यावरण संकट गहराता चला जा रहा है। अगला प्रमुख कारण है असीमित खनन। भूगर्भ में पड़े खनिजों का असीमित खनन किया जा रहा है। इस खनन कार्य से एक तरफ भूपटल ऊंचा नीचा हो रहा है, तो दूसरी तरफ खनन के समय निकली धूल से वायुमंडल प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान समय में खुली विधि से कोयले का खनन किया जा रहा है, फलतः वहाँ के लोगों को अत्यंत स्थानांतरित होना पड़ रहा है तथा उससे निषिद्ध कोयले की धूल से वायु अशुद्ध हो रही है और उससे अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कुप्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। कृषि भूमि, वनस्पति, मिट्टी, भूमिगत जल इत्यादि पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगला कारण है आर्थिक विकास में असमानता। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानता पाई जाती है। जो लोग आर्थिक विकास के लाभों से वंचित है, वे पर्यावरण विकास कार्यक्रमों में कोई भागीदारी नहीं निभाते। विकास योजनाओं तथा पर्यावरण विकास कार्यक्रम जिससे असफल सिद्ध हो रहे हैं। इन आर्थिक असमानताओं की खाई को कम करने के लिए अल्प विकसित तथा विकासशील देश विकसित देशों से कर्ज लेते हैं और इस कर्ज की अदायगी के लिए
विविध संसाधनों का निर्दयतापूर्वक विदोहन कर लेते हैं, जिससे पर्यावरण अवनयन बढ़ता जा रहा है। अगला प्रमुख कारण है औद्योगिकरण। यह पर्यावरण अवनयन का सबसे प्रमुख कारण माना गया है। सर्वप्रथम सन 1860 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के साथ औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात औद्योगिकरण की लहर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देशों, जापान इत्यादि में पहुंची। वर्तमान समय में औद्योगिकरण की प्रवृत्ति विश्व के छोटे छोटे देशों तक पहुँच चुकी है। विकसित देशों में औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि के कारण पर्यावरण अवनयन हो रहा है। अगले प्रमुख कारण है नगरीकरण। किसी देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात को इस अनुपात को बढ़ने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। इस प्रकार नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या एक नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित हो जाती है, फलतः नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण अवनयन को रोकने के प्रयासों या उपायों के बारे में। तो पर्यावरण अवनयन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक समस्या है जिसकी 1960 के दशक में विश्व का ध्यान गया। पर्यावरण अवनयन की ओर ध्यान आकर्षित करने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि यदि पर्यावरण अवनयन इसी प्रकार से बढ़ता गया तो निश्चित ही मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण अवनयन के प्रति विश्वव्यापी जागरूकता के कारण यूनेस्को के 1968 में मानव और पर्यावरण की समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान करने के लिए निश्चित किया गया, जिसके अंतर्गत 1969 में पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें विश्व के 80 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। 1971 में 25 देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया जिसकी बैठक नवंबर 1971 में हुई। पुनः 5 जून से 16 जून 1972 में स्टॉकहोम जो कि वर्तमान में स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में मानव और पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसके निर्णयानुसार पर्यावरण संरक्षण हेतु यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई और नैरोबी में इसका सचिवालय स्थापित किया गया। यूएनओ के निर्णयानुसार प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भी NCEPC नामक समिति का गठन किया गया जिसका वर्तमान नाम नेशनल कमिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्लानिंग कर दिया गया है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई है। इस प्रकार भारत में भी पर्यावरण समस्याओं की ओर ध्यान गया है। पर्यावरण संकट को निम्न उपायों द्वारा भी कम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत तीव्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके वन विनाश को रोकना या वनारोपण करना, अनियोजित नगरीयकरण को नियंत्रित करना, प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, दवाओं, शाकनाशी रोगनाशी सहायता का न्यूनतम प्रयोग, ओजोन परत की क्षयकारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हेलोजन रसायनों के उपभोग पर नियंत्रण, आणविक अस्त्र शस्त्रों तथा संयंत्रों पर प्रतिबंध। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।